She sure. प्रिय मित्रों मैं आपका दोस्त गणेश आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम टेक की दुनिया में हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ मित्रों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों सबसे पहले हम सत्य क्या होता है इस विषय पर चर्चा करते हैं सत्य इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है सत्य के बारे में व्यवहारिक बात यह है कि सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं सत्य का शाब्दिक अर्थ होता है सत्यहितम यानी सभी का कल्याण इस कल्याण की भावना को हृदय में बसाकर ही व्यक्ति सत्य बोल सकता है एक सत्यवादी व्यक्ति की पहचान यह है कि वह वर्तमान भूतत्वा भविष्य के विषय में विचार किए बिना अपनी बात पर दृढ़ रहता है मानव स्वभाव में सत्य के प्रति आगाध श्रद्धा एवं झूठ के प्रति घृणावों के भाव आते हैं मानव जीवन में सत्य का बहुत महत्व होता है क्योंकि सत्य ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति पर विश्वास कर पाते हैं सत्य ही वह कारण है जिसके द्वारा इस संसार में मानवता बची हुई है सत्य सदैव अपरिवर्तनशील होता है जबकि झूठ परिस्थिति या समय के अनुसार बदलता रहता है सत्य भले ही कड़वा हो सकता है परंतु कभी भी गलत नहीं हो सकता जबकि झूठ मीठा तो बहुत हो सकता है परंतु कभी भी सही नहीं हो सकता यही कारण है कि मानव समाज में सत्य का बहुत महत्व है और सदैव सत्य बोलने वाले व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है भारतीय संस्कृति में भी सत्य को अत्यंत ही महत्व दिया गया है भारत में कई सत्यवादी विभूतियां हुई जिनकी दुहाई आज भी दी जाती हैं जैसे राजा हरिश्चंद्र, सत्यवीर तेजाजी महाराज आदि इन्होंने अपने जीवन में यह संकल्प कर लिया था कि भले ही जो कुछ हो जाए वे सत्य की राह को नहीं छोड़ेंगे राजा हरिश्चंद्र उन उदाहरणों में से एक है जिन्होंने सदैव सत्य का साथ दिया और समय आने पर सत्य के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया यही कारण है कि आज राजा हरिश्चंद्र के आगे सत्यवादी अवश्य लगाया जाता है और किसी भी व्यक्ति की ईमानदारी की तुलना राजा हरिश्चंद्र के साथ की जाती है सत्य के विषय में किसी महापुरुष का वचन भी है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है परंतु पराजित नहीं सत्य को शुरू में बहुत परेशानियां झेलनी पड़ सकती है परंतु अंत में जीत सदैव सत्य की ही होती है आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सत्य की हार हुई हो और झूठ की जीत किसी व्यक्ति को जीवन में उन्नति करने के लिए सच्चा होना अत्यंत ही आवश्यक है क्योंकि सत्य का मार्ग सदैव व्यक्ति को उन्नति की ओर ही ले जाता है सत्यवादी व्यक्ति को कभी भी किसी बात का भय नहीं होता है वो सदैव निडर रहता है वही दूसरी ओर झूठ का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति अपनी बर्बादी की ओर बढ़ता जाता है और उसे सदैव उसके द्वारा बोले गए झूठ के पकड़े जाने का भय होता है सत्य के मार्ग को सबसे उत्तम मार्ग बताया गया है क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की जीत अवश्य होती है वह व्यक्ति सदैव अपने परिजनों एवं समाज की दृष्टि में सम्माननीय होता है और प्रत्येक व्यक्ति उसके प्रति आदर का भाव रखता है वह व्यक्ति जहाँ भी जाता है सत्यवादी होने के कारण सम्मान पाता है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सत्य ही बोलना चाहिए और इसे अपने जीवन में धारण करना चाहिए सत्यम शिवम और सुंदरम के बारे में सभी ने सुना और पढ़ा होगा लेकिन अधिकतर लोग इसका अर्थ या इसका भावार्थ नहीं जानते होंगे वे सत्य का अर्थ ईश्वर शिवम का अर्थ भगवान शिव से और सुंदरम का अर्थ कला आदि सुंदरता से लगाते होंगे लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि आखिर में सनातन धर्म और दर्शन का इस बारे में मत क्या है हालांकि वेद उपनिषद और पुराणों में इस संबंध में अलग अलग मत मिलते हैं लेकिन सभी उसके एक मूल अर्थ पर एक मत हैं मित्रों अब हम सत्यम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं योग में यम का दूसरा अंग है सत्य सनातन धर्म में ब्रह्म को ही सत्य माना गया है जो ब्रह्म अर्थात परमेश्वर को छोड़कर सब कुछ जानने का प्रयास करता है वो व्यक्ति जीवन पर्यंत भ्रम में ही अपना जीवन गुजार देता है यह ब्रह्म निराकार निर्विकार और निर्गुण है उसे जानने का विकल्प है स्वयं को जानना अर्थात आत्मा ही सत्य है जो अजर अमर निर्विकार और निर्गुण है शरीर में रहकर वह खुद को जन्मा हुआ मानती है जो कि एक भ्रम है इस भ्रम को जानना ही सत्य है सत्य का लौकिक अर्थ यह है कि सत्य को जानना कठिन है ईश्वर ही सत्य है सत्य बोलना भी सत्य है सत्य बातों का समर्थन करना भी सत्य है किसी अच्छे काम के लिए या फिर किसी के जीवन की रक्षा करने के लिए झूठ बोलना भी सत्य ही है सत्य समझना सुनना और सत्य आचरण करना कठिन जरूर है लेकिन अभ्यास से यह सरल हो जाता है जो भी दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है लेकिन उसे समझना सत्य है अर्थात जो जो असत्य है उसे जान लेना ही सत्य है असत्य को जानकर ही व्यक्ति सत्य की सच्ची राह पर आ जाता है अब हम शिवम को जानने की कोशिश करते हैं शिवम का संबंध अक्सर लोग भगवान शंकर से जोड़ देते हैं जबकि भगवान शंकर अलग है और शिव अलग शिव निराकार निर्गुण और अमूर्त सत्य है भगवान शंकर भी ध्यानी होकर उस परम सत्य में लीन होने के कारण शिव स्वरूप ही है शिव का अर्थ है शुभ अर्थात सत्य होगा तो उससे जुड़ा शुभ भी होगा अन्यथा सत्य हो नहीं सकता वह सत्य ही शुभ अर्थात भले भांति अच्छा है सर्वशक्तिमान आत्मा ही शिवम है दो भुओं के बीच आत्मा लिंग रूप में विद्यमान है अब हम सुंदरम के बारे में जानकारी लेते हैं यह संपूर्ण प्रकृति सुंदरम कही गई है इस दिखाई देने वाले जगत को प्रकृति का रूप कहा गया है प्रकृति हमारे स्वभाव और गुण को प्रकट करती है पंचकोश वाली यह प्रकृति आठ तत्वों में विभाजित है परम तत्व से प्रकृति में तीन गुणों की उत्पत्ति हुई है सत्व रज और तम ये गुण सूक्ष्म तथा अतिन्द्रियर हैं इसलिए इनका प्रत्यक्ष नहीं होता इन तीन गुणों के भी गुण हैं प्रकाशत्व चलत्व लघुत्व गुरुत्व आदि इन गुणों के भी गुण हैं अतः स्पष्ट है कि यह गुण द्रव्य रूप है द्रव्य अर्थात पदार्थ पदार्थ अर्थात जो दिखाई दे रहा है और जिसे किसी भी प्रकार के सूक्ष्म यंत्र से देखा जा सकता है महसूस किया जा सकता है या अनुभूत किया जा सकता है ये ब्रह्मांड या प्रकृति के निर्माणक तत्व हैं अतः हम एक सुंदर प्रकृति और जगत के घेरे से घिरे हुए हैं इस घेरे से अलग होकर जो व्यक्ति खुद को प्राप्त कर लेता है वही सत्य को प्राप्त कर लेता है संसार में तीन ही तत्व हैं सत्य शिव और सुंदरम ईश्वर, आत्मा और प्रकृति इसे ही सत्य चित और आनंद कहते हैं यही सत्यम शिवम सुंदरम है